मूर सिंह जी रावण राज राम जी नाम सिंह जी प्रवक्ता रावण राज मंच पर बता रहे हैं। कल्याण सिंह जी अचलपुर, अनूप सिंह जी विरोल, दलपत सिंह जी उप सरपंच अचलपुर, अंबाराम जी पुरोहित, केर सिंह जी विरोल, वासुदेव जी शर्मा, अर्जुन सिंह जी विरोल, सुमेर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उमेश सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, सज्जन सिंह जी जाप, पूरण सिंह जी डबार, जोर सिंह जी डबार, नांजी राम जी गोली, हमारे जिला परिषद के पूर्व सदस्य विचावाड़ी और सभी अपेक्षित जो भी हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, सभी कार्यकर्ता का स्वागत और जो भी अपने आप को इस व्यवस्था से अपनी व्यवस्था है वो उनका सबका स्वागत है। नरपत जी पुरोहित मालेरा विधानसभा सहप्रभारी, राण सिंह जी इसरो विधानसभा सहप्रभारी, पोपटलाल जी पंड्या, दिनेश जी पुरोहित मालेरा, आप सबका मंच पर स्वागत है। अगली कड़ी के लिए आदि दिनेश जी। श्रीमान सोनाराम जी पुरोहित स्वागत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, वीर सिंह जी बड़ा मंच पर बना रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सांचौर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल के महामंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी विरोल से कि अपना संक्षिप्त में उद्बोधन प्रदान करावे श्रीमान गजेंद्र सिंह जी विरोल। भारत माता की, बीजेपी मंच पर विराजमान साधु संत के शरणों में वंदन नमन, मंच पर विराजमान 37 कौमों के समाज के अग्रणी प्रबुद्ध नागरिकों का बहुत बहुत आभार। आज इतना जन सैलाब देखकर दिल खुशी से झूम उठता है कि सांसौर विधानसभा सीट से भाजपा की जीत तय हो चुकी है। आप सभी बंधुओं से, आप सभी सज्जनों से, आप सभी धौली पगड़ी, राती पगड़ी, बटिया पगड़ी वाले सभी लोग विराजमान हैं और अगर आपने सच्चे दिल से, पवित्र दिल से अगर कोशिश की तो आपकी जीत निश्चित है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अनेकों योजना है जो प्रत्येक कार्यकर्ता गिनाने जाए तो फॉर्म भरने का मुहूर्त नजदीक आ गया है। इसलिए आप सभी को मालूम है कि बड़े से बड़ा किसान हो या छोटे से छोटा मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, शोषित हो, वंचित हो, सबके घर में किसी किसी रूप में पैसा पहुंचा है और जरूर पहुंचा है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहां से जीतते हैं तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पर्चा लहराएगा और उसके बाद में ठीक 5 महीनों के बाद में युग पुरुष कहो या विश्व गुरु के जो बागडोर संभाल वाले माननीय नरेंद्र जी मोदी उनको पीएम बनाना है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारत को वापस में विश्व गुरु कहलाना है, भारत का मान सम्मान बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है और नरेंद्र मोदी जी तब मजबूत हो गए कि सांचौर से दाना राम जी की जीत सुनिश्चित होगी। इसलिए 37 कौमों के लोगों से नतमस्तक होकर मैं निवेदन करता हूं कि आज से आप तन मन और धन से जुड़ जाइए, आपकी जीत तय है। कई तरह की अफवाह आएगी, कई तरह की कहेंगे वो जीत रहा है, वो जीत रहा है, नहीं आप जीत रहे हैं।